हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम इन मैथ क्लासेस. टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट फ्रैक्शंस चैप्टर्स, योर न्यू टॉपिक्स फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. नाउ फर्स्ट वी हैव डिस्कस फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फिर एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस. यहाँ पे 3/5, 3/5 या 3/5, इसको अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, या फिर 4/7 या फिर 7/5, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपके पास. ये किसी भी क्वांटिटीज को दर्शाता है जो इसका ये पार्ट्स ऑफ क्वांटिटी कहलाता है. जैसे हम पहले भी पढ़े थे क्लास 6 में भी, जैसे 1/2 को क्या बोला जाता है, हाफ. 1/3 को क्या बोला जाता है, 1/3 ऑफ ए पार्ट्स. जैसे 1/3, तो एक अगर कोई रेक्टेंगल्स बॉक्स है, ये कोई पूरा पार्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो उसका 1/2 इसको दिखाता है कि ये टू पार्ट्स में है. हाफ पार्ट्स 1/2 एंड 1/2 ये पार्ट्स कहलाता है. अगर इसी बॉक्स को, अगर इसी के बारे में ये 1/3 किसी भी क्वांटिटीज का पार्ट्स को दर्शाता है, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल्स को थ्री पार्ट्स में, जितना डिनोमिनेटर दिया हुआ रहता है, जो नीचे में लिखा हुआ था, किसी भी क्वांटिटीज को उतना पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. यानी 7 कोई क्वांटिटीज जिसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 4 कोई क्वांटिटीज है जिसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो ये चीज हो गया 1/3, 1/3 और 1/3, डेट इज ये होल पार्ट्स क्या कहलाएगा, 1 इक्वल्स टू 1 कहलाएगा. तो इस फ्रैक्शंस में हम लोग देखना क्या है कि इसे पहचानना सीखना है कि किस टाइप्स का फ्रैक्शंस है ये, और उसके बाद हम फ्रैक्शंस को कैलकुलेटिव, जैसे हम मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, हम फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से, किसी इंटीजर से, किसी फ्रैक्शन से ही एडिशन सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं. तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप ऑफ फ्रैक्शन. जनरली हम लोग जानते हैं फर्स्ट में होता है, अगर आपको बोला जाए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग जानते हैं कि किसी ऐसा फ्रैक्शंस, जैसे यहां बहुत सारे फ्रैक्शंस आपके पास दिए हुए हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस का रूल्स हैं, हम लोग पहले रूल जानते हैं. ये सब फ्रैक्शन 3/5, 4/7 एंड 7/5, 1/3 या फिर यहाँ लिखा हुआ है आपका 5/3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपके पास, तो ये सभी फ्रैक्शंस में प्रॉपर फ्रैक्शंस हम कैसे पहचानेंगे. तो इसका कुछ रूल्स होता है, जैसे सबसे पहले फ्रैक्शंस में हम जानते हैं कि ये जो होता है इसे न्यूमरेटर बोला जाता है. न्यूमरेटर, और इसे क्या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोला जाता है. जो फ्रैक्शंस के अपर पार्ट होते हैं उसे न्यूमरेटर बोला जाता है, और जो लोअर पार्ट होते हैं डिनोमिनेटर, मतलब डाउन में जो रहते हैं, नीचे जिसे बोला जाता है, उससे हमको याद रखना है कि डिनोमिनेटर मतलब डाउन, तो डिनोमिनेटर बोला जाता है. तो यहाँ ऐसा फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से, इसमें क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर नहीं होता, न्यूमरेटर क्या होता है, लेस होता है अगर डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है अगर न्यूमरेटर से. तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिससे कि न्यूमरेटर इसका स्मॉलेस्ट है, किससे, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो इसको हम 3/5 लिख सकते हैं. 4/7 में क्या, न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो इसको भी लिख सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. नेक्स्ट है 7/5, तो 7/5 में देखिए न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर लेस है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा. नेक्स्ट है 1/3, 1/3 में न्यूमरेटर छोटा है. यहाँ 5/3, 5/3 में क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इसलिए इसको भी हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहेंगे. तो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन मिला 3/5, 4/7, 1/3. नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स टू, जो दूसरा है वो है इम प्रॉपर फ्रैक्शन,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हम लोग जाने हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे बोलेंगे, जब आप किसी भी एक ऐसा न्यूमरेटर ग्रेटर हो किसी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर क्या हो ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। तो आप बताइए ये क्या हो गया, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। फिर नेक्स्ट वन ये हो गया 5/3, 5 क्या न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो ये सब जो है 7/5 और 5/3 ये सब क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास, ये टू टाइप्स हम अलग तरीके से देखते हैं, और भी जनरल टाइप्स होते हैं जैसे फ्रैक्शंस में। एक होता है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन होता है कि फ्रैक्शंस और होल नंबर दोनों एक साथ जब मिक्स हो तो उसे मिक्स फ्रैक्शंस बोला जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3:1/2, यहाँ लिखा हुआ 3:1/2, डेट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शंस। इसमें क्या है, 3 क्या है ये होल नंबर्स है और 1/2 एक फ्रैक्शंस है, दोनों जब इस तरह से मल्टीपल में लिखा रहे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। अब है अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता तो इससे कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये चीज़ जाना। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस या कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन टू फ्रैक्शंस या फ्रैक्शंस टू मिक्स फ्रैक्शन। तो जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो पाते हैं क्या कि हमेशा इस तरह का जो मिक्स फ्रैक्शन होता है इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मिलते हैं। जैसे आपके पास है यहाँ 7/5, यहाँ 5/3, क्या ये हो सकते हैं? तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शंस में। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, इसका जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है और बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर जो होगा आपका फ्रैक्शंस का उसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 2:3+1, ये आपका न्यू फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा आपके पास। तो क्या बोले इसको, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल नंबर प्लस न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल नंबर प्लस न्यूमरेटर, इस तीनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक न्यूमरेटर मिलता है न्यू फ्रैक्शंस का, 2:3, 6+1, 7/2। तो इससे जो आपको मिला क्या मिला, 7/2, ये आपके पास मिला है मिक्स फ्रैक्शन का वैल्यू। 3:1/2 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं। अब बताइए 7/2 में क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन, अब बताइए मिक्स फ्रैक्शंस पहले से आपके पास लिखा हुआ 7/5, क्या इस सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या इसको हम कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शंस में कर सकते हैं? इसको नहीं कर सकते हैं, बट ये कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं 7 को। अगर डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5 2। अब इसे बस यही है, इसके बाद डिविजिबल नहीं है तो हम इतना इस तरह से छोड़ सकते हैं। अब आपके पास रिमाइंडर क्या आया, 2, कोएफिशिएंट क्या आया, 1। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो सबसे पहले जो क्वेसेंट होता है वो होल नंबर बन जाता है, 1 लिख सकते हैं, और जो रिमाइंडर होता है उसे न्यूमरेटर बोला जाता है। ऐसे हम बोल सकते हैं क्वेसेंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं हम लोग। ये मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मेट है। तो आप इसमें क्या मिला, क्वेसेंट क्या आया है 1, रिमाइंडर क्या आया 2, बाय डिवाइड किससे किया जाता है, जो पहले से लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में वही रहता है आपका। तो 1:2 2/5, जैसे 7/ यहाँ लिखा हुआ 7/5, तो इसका जो डिवाइड करके आया 1 आया क्वेसेंट, रिमाइंडर 2 आया, डिवाइड जो 5 पहले से डिवाइजर है। तो 7/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:5
2 by 5, 1 क्या है यहाँ पे, हॉल नंबर्स है, हॉल नंबर इसको बोल सकते हैं या फिर जो भी है इसमें इंटीजर्स को यूज कर सकते हैं। तो 7 by 5 को हम कन्वर्ट करना सीख गए। फिर जनरल टाइप्स आप लोग देखेंगे कुछ और भी होता है जब हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है किसी भी फ्रैक्शंस को पहचानने का वो होता है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। हम लोग देखेंगे सबसे पहला है लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस हम बोलते हैं जब आपके पास कुछ ऐसा फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस दिया हुआ है, टू फ्रैक्शन है आपके पास, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, एक दूसरे का इक्वल हो। जैसे आपके पास एग्जाम्पल्स है 3 by 5 एंड 7 by 5, कुछ इस टाइप से एग्जाम्पल दे दिया गया है। तो ये दोनों फ्रैक्शंस जो दिए हुए हैं, सिंपली इस दोनों फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करेंगे, या दो से ज़्यादा भी फ्रैक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है 9 by 5 या फिर 13 by 5, इस तरह का बहुत सारे फ्रैक्शंस आपके पास हैं। तो इसमें मुझे ये देखना है, अब इसमें क्या है कि आप इम्प्रॉपर और प्रॉपर दोनों फ्रैक्शंस हो सकते हैं। तो इस तरह का जो फ्रैक्शंस है जिसमें हम डिनोमिनेटर सभी का सेम देख रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस जो आप पीछे का पढ़ा हुआ उसको हम रिकॉल कर रहे हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जब आप इस टाइप्स में फ्रैक्शन होते हैं 3 by 5 और यहाँ पे 5 by 7 दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे 4 by 6 दिया हुआ है, सॉरी 4 by कुछ यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो इस टाइप का जो फ्रैक्शंस है जिसमें हमको न्यूमरेटर को कंपेयर नहीं करना है, लाइक और अनलाइक पहचानने के लिए हमको डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। अगर डिनोमिनेटर सभी का सेम है तभी हम लाइक बोल सकते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शंस तो दिख रहा है आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस, बट इसको हम लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जब आप इसमें कंपेयर करना सीखेंगे, दो फ्रैक्शंस आपके पास दिया हुआ है उसमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट है। दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस आपके पास दिए रहते हैं तो आप इसमें, जैसे इस दोनों फ्रैक्शंस में अगर ये लाइक फ्रैक्शंस दोनों हैं तो इसमें पहचानना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलेस्ट है। पहली कि आप इसको, जिसे यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस में पहचानना है 3 by 5 है और दूसरा 7 by 5 है, ये दोनों में से कौन सा ग्रेटर फ्रैक्शंस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले आप जानते हैं कि इसको आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ये क्या हो जाएगा, 0 point कुछ आएगा, समथिंग 0.6 आएगा, और ये आएगा अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 point something आएगा। तो यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि ये 1 point something आएगा, ये 0 point something आएगा, इसलिए ये ग्रेटर है। बट अगर दोनों 0 0 point में आएंगे तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि जब लाइक है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लाइक फ्रैक्शंस हैं तो हम न्यूमरेटर को, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा हो, अगर न्यूमरेटर ज़्यादा हो वो फ्रैक्शंस क्या होता है, 3 by 4 इज लेस देन 7 by 5, 7 by 5 ग्रेटर है किससे, 3 by 5 से, क्योंकि इसका अगर ये लाइक फ्रैक्शन है तब, अगर ये लाइक फ्रैक्शन है तो इसका न्यूमरेटर चेक करेंगे, जिसका ग्रेटर होगा वो इसका फ्रैक्शंस क्या होगा, ग्रेटर कहलाएगा। दूसरा है अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस दिया हुआ, जैसे यहाँ पे 3 by 5 दिया हुआ और 4 by 3 दिया हुआ, कुछ दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो इसे पहचानना है। इसमें आपको देखना है जैसे यहाँ पे अगर यही दिया रहता 3 by 6, सॉरी 3 by 7, दो अनलाइक फ्रैक्शंस दिख रहे हैं आप इस, तो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस हैं आपके पास, न्यूमरेटर इक्वल या होने से कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं, इसलिए दोनों को अनलाइक फ्रैक्शंस हम कहेंगे, और अनलाइक फ्रैक्शंस है तो इसे ग्रेटर और स्मॉल पहचानेंगे। तो डिवाइड करके आप ला सकते हैं, इसका वैल्यू 0.6 आएगा, इसका 0.4 और कुछ समथिंग आएगा, तो इसमें आप ग्रेटर और स्मॉल बता सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है क्या,
कि हम उतना नहीं करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर लेंगे। हम बताएं आपको कि लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसे हम लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। अब हम किसी अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है तो दोनों के डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं। 5 और 7 का अगर एलसीएम लेंगे तो 5 1 5 और 7 1 7, तो 5 7 35, आपका एलसीएम क्या आया 35। जो एलसीएम आपके पास मिलते हैं वो हमको इसका डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर बनाना है। अब 5 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे या किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या 7 आएगा, 35 आएगा, तो 5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आएगा, और जब हम डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऑब्वियसली हमको न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी वो फ्रैक्शंस का वैल्यू क्या आएगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट वन है 7 को कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि 35 आएगा, तो 5 से, तो इसी तरीके से न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसका जो वैल्यू आया आपके पास ये आया 21/35 और इसका जो वैल्यू आया 15/35। अब ये 21/35 एंड 15/35 ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं। अब इसे कंपेयर कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को भी एक साथ रखकर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा कि न्यूमरेटर इसका ज़्यादा है, इसलिए 21/5 ग्रेटर है 15/35 से, 35 से क्या है, ग्रेटर है। तो जब भी कोई फ्रैक्शंस लाइक हो या अनलाइक हो, उसे हम, उसको अगर कंपेयर करने के लिए दिया जाए तो हम उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शंस क्या होगा, ग्रेटर्स होंगे। नेक्स्ट वन है आपके पास, एक और है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम लोग देखेंगे जब आप आगे पढ़ेंगे लोएस्ट फॉर्म या फिर रिड्यूस करेंगे, लोएस्ट फॉर्म या फिर आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, तो उसमें ये ज़रूरत होती है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हम लोग देखेंगे कि जब आपके पास लिखा हुआ है 2/3, तो आप इस फ्रैक्शंस का जो रेशियो है, जो वैल्यू है, उस वैल्यू पे ही बहुत सारा फ्रैक्शंस को हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं, नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसी वैल्यू का अलग अलग टाइप का फ्रैक्शन लिख सकते हैं। जैसे अगर किसी फ्रैक्शंस में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो उससे जो वैल्यू मिलता है आपका 2 2 4 और 3 2 6, ये जो मिला है ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इसको रिड्यूस करेंगे तो फिर 2/3 आ जाएगा, तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और अगर इसमें फिर कोई और दूसरा नंबर से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसी नंबर से 2/, तो 2 × 3 6 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। ये भी क्या है, 2/3 का 4/6 भी इक्विवेलेंट है, 6/9 भी इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट वन हम करते जाएंगे 8/12, ये भी इसका इक्विवेलेंट है। तो नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम 5, 10, 12 जितना भी निकालना हो मल्टीपल्स करते जाएंगे, एक ही नंबर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो उससे जो नया फ्रैक्शंस मिलते हैं वो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब है नेक्स्ट वन आपके पास, जब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना जान गए तो इसमें एक और है रिड्यूस करके हम देखते हैं, या सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। जैसे यहाँ आपको पहले से दे दिया गया है 8/12 दे दिया गया है पहले से ही, तो आप इसको बोला जाएगा ये एक फ्रैक्शंस हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें या रिड्यूस करें, लोएस्ट फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें, इसको छोटा सा फ्रैक्शंस बना दें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिविजिबल करते हैं, जैसे ये किस नंबर से दोनों में डिविजिबल है, तो हम अगर 4 2 8 और 4 3 12 होता है या नहीं, 4 2 8, तो दोनों नंबर्स में कॉमन है इसलिए 2/3। अब ये कोई नंबर से 1 को छोड़कर कोई ऐसा नंबर से जिसमें दोनों का मल्टीपल्स होता है या काउंट आता है टेबल्स में, नहीं आता है, तो 2/3 क्या है, 8/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। 8/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 2 बाय
थ्री। जब आप किसी दो फ्रैक्शंस को ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसका जो कोई फॉर्म आएगा 8/12 में बराबर नंबर्स का फ्रैक्शन आएगा, तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में या रिड्यूस करके उसका वैल्यू हम आंसर्स के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी ज़रूरत है। नेक्स्ट वन है आपके पास नौ, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शंस। जब हम फ्रैक्शंस को अच्छी तरह से पहचानना सीख गए, डिफरेंट टाइप्स से हम पहचानना सीख गए, उसका वैल्यू निकालना सीख गए, ग्रेटर स्मॉलेस्ट पहचाने, तो अब आता है कि आप फ्रैक्शंस को ऐड या सब्सट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेम प्रोसेस है, इसलिए हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। प्रोसेस क्या है, जब आप दो एडिशन, दो फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ 2/3 और यहाँ लिखा हुआ है 5/3, ऐसा कुछ दिया हुआ, दोनों को ऐड करना है। तो इस तरह का जो सब्सट्रैक्शन होगा इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शन है तो सिंपल हो जाता है कि दोनों लाइक फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा और न्यूमरेटर को ऐड किया जाता है 2+5। ये नहीं कि 2+5 7 और 3+3 6, ये नहीं होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। यहाँ अगर सब्सट्रैक्शन होता तो यहाँ न्यूमरेटर को सब्सट्रैक्ट किया जाता है, बट डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन लिखा जाता है। तो आप इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 7/3, ये हो गया आपका, दो लाइक फ्रैक्शंस को आप एडिशन कर लिए। अब अगर अनलाइक फ्रैक्शंस दिया हुआ है 5/3 + 7/5, कुछ इस टाइप से अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो इसे ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर वो आसान है या फिर इस दोनों का एलसीएम लेके आगे करते हैं, तो सिंपल है, दोनों का एलसीएम लेके करते हैं, बट वो क्या है कि आप लाइक अनलाइक को लाइक बनाना सीख गए हैं, इसलिए हमेशा एक ही प्रोसेस को यूज करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस को हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको 5/3, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 15 होगा 5 से, 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 से न्यूमरेटर में भी, अब 5 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 में भी। तो इससे जो आपको मिला 5 × 5 = 25/15 + 21/15, 5/3 और 7/5 का लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, 25/15 और 21/15, ये दो चीज़ मिला है आपके पास। इस दोनों को लाइक फ्रैक्शंस हो गए, इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा 15 और दोनों का न्यूमरेटर क्या होगा 25 + 21, दोनों को ऐड कर लेंगे 6 और 4 = 20, 46/15। ये आ गया आपका किसी भी दो फ्रैक्शंस का एडिशन बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्शन रहेगा तो यहाँ हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो इस फ्रैक्शंस में होंगे। नेक्स्ट है, अगर आपके पास होल नंबर के साथ किसी फ्रैक्शंस को एडिशन या सब्सट्रैक्शन दिया जाए, जैसे 2/3 और प्लस किसी एक होल नंबर दे दिया गया है यहाँ पे 5, क्या इस दोनों को भी ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या इसको हम 5 + 2 7/3 लिख सकते हैं, इसको समझना है, क्या ऐसा लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक फ्रैक्शन है, दूसरा होल नंबर है और दोनों को क्या करना है, ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इसको हम करने के लिए इसको भी हम यही करेंगे, ये जो 5 है एक्चुअली में 5 को हम न्यूमरेटर के साथ ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, 5 ही होता है। अब ये दो फ्रैक्शंस मिल गए, ये दोनों फ्रैक्शन में क्या है कि एक दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो हम इसे फिर से क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो ये तो आपको 2/3 है, 3 और 1 का एलसीएम 3, इसलिए 3 रहने देंगे, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे जो वैल्यू आया आपके पास क्या मिला है, 2/3 + 5 × 3 = 15/3, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस में लिखा गया। अब इस दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को
लिखेंगे 2 + 15 = 17 और डिनोमिनेटर 3 17/3। तो जब आप किसी फ्रैक्शंस को होल नंबर के साथ ऐड किए तब भी उसको हम क्या कर लिए, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब है अगर एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है 2:1/3 2:1/4 अगर लिखा हुआ है और दूसरा आपको एडिशन में दिया हुआ है 1/3, ऐसा कुछ एक फ्रैक्शंस है दूसरा मिक्स फ्रैक्शंस है, तो क्या आप इसको ऐसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं या होल नंबर के साथ जब दिया रहे, तो क्या है 2 होल नंबर है 1/4 2:1/4 + 1/3। तो इसे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आपको बताएं, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर हो जाता है 4 × 2 + 1 4 × 2 = 8 + 1 = 9/4 2:1/4 का वैल्यू क्या हो गया 9/4 और + 1/3। अब ये दोनों फ्रैक्शंस में दिख रहे हैं और इस दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस दोनों को लाइक फ्रैक्शंस बनाने होंगे। तो 4 और 3 ये दोनों का एलसीएम क्या होता है 12 होता है, इसलिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27/12 + 4/12 लाइक फ्रैक्शंस मिले हैं। अब आप इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 12 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 12 और न्यूमरेटर 27 + 4 = 31 तो 31/12 मिला है। जब आप किसी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शंस के साथ ऐड किए हैं या फिर यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हम मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से यूज करते हैं, तो ये बहुत सिंपल है। जब आप किसी पहले से जैसे दो नंबर इंटीजर्स को आप फ्रैक्शंस करते थे 2 × 4 2 × 4 क्या आता था 2 × 4 8 हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग टाइप से जैसे हमको आप बताए बाय होल नंबर, अगर हम एक फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें जैसे 1/2 है इंटू 4 1/2 एक फ्रैक्शंस है और दूसरा मल्टीप्लाइड 4 क्या है एक होल नंबर है, तो इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 4/2 लिख सकते हैं 4/2 इसको लिख सकते हैं और इसको रिड्यूस करके जो भी इसका 2 से कटेगा तो 2 × 2 = 4 = 1 तो 2 आ जाएगा आंसर। बट इस तरह से हम लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे अगर लिखा हुआ रहे आपके पास 3 को मल्टीप्लाई करना है 5/7 से, तो 3 एक होल नंबर है दूसरा 5/7 क्या है फ्रैक्शन से, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसमें हम 5 × 3 15/7 लिख सकते हैं, ऐसा मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन है 2:1/3 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/7 से, एक मिक्स फ्रैक्शन है दूसरा फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शंस में चेंज कर लेंगे या फिर इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 1/2 को एक बार 5/7 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट ये सिंपल है कि इसको आप क्या कर लीजिए कन्वर्ट कर लीजिए 3 × 2 = 6 + 1 = 7/3 फ्रैक्शंस में और इसको 5/7 लिख सकते हैं। अब ये दो फ्रैक्शंस में आ गए हैं, दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है। जब आप किसी फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7/5 × 35/3 × 7 = 21 ये हम लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं 7/7 कटेगा उसके बाद 5/3 भी आ सकता है। तो ये हो गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आप होल नंबर के साथ मिक्स फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन को एक दूसरे को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जैसे कहीं कहीं पर आता है ऑफ लिखा हुआ है जैसे 1/2 of 3 1/2 of 3 या 3 of 1/2 इस तरह से, तो ऑफ भी क्या है मल्टीप्लिकेशन है, 1/2 जो है वो 3 times है, 1/2 क्या है 3 times है, तो या तो आप 1/2 को 3 times ऐड कीजिए
तब भी क्या आ जाएगा इसका 2 और ऊपर में 1 प्लस 1 प्लस 1 3, या फिर आप 1 बाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 3, 1 बाई 2 एक फ्रैक्शन से और 3 क्या हॉल नंबर है। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाई 2 लिख सकते हैं, ये हो गया। दूसरा कहीं पे रहता है प्रोडक्ट, कहीं लिखा रहता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब भी होता है मल्टीप्लीकेशन ही। अगर 2 का प्रोडक्ट 5 है, ऐसे लिखा हुआ 2 प्रोडक्ट 5 या प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ अगर बोला जाए 1 बाई 3 एंड 5 बाई 9, ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो प्रोडक्ट लिखा हुआ यानी 1 बाई 3 मल्टीप्लाई 5 बाई 9, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगा वही इसका प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये कुछ टर्म है ऑफ, प्रोडक्ट, इवेल्यूट नहीं, मल्टीपल या मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन। तो हम इस तरीके से फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में हम लोग देखते हैं कि जब आप पहले इंटीजर्स को डिवाइड करना सीखे थे, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 6 / 3, दो इंटीजर्स है या दो हॉल नंबर से उसको डिवाइड करना है, तो हम लोग इसको डिवाइड करने से पहले क्या लिखते हैं, 6/3 या 6/3। डिवीजन का मतलब क्या हो जाता है, किसी पार्ट, किसको डिवाइड कर रहा है, 3 6 को डिवाइड कर रहा है 3 पार्ट्स में, तो 6 को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और जितना पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ये इसकी प्रोसेस है। तो यहाँ आपसे बोला जाएगा कि डिवाइड आपको सबसे पहले अगर अलग अलग फ्रैक्शंस में बताया जाए तो किसी हॉल नंबर्स को, हॉल नंबर बाय फ्रैक्शन डिवाइड, डिवीजन हॉल नंबर्स बाय फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ हॉल नंबर्स बाय फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। ये जब हम करेंगे, किसी हॉल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करके पहले हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 7 एक हॉल नंबर से, इसको डिवाइड किया जा रहा है 1/3 एक फ्रैक्शन से, या यहाँ पे लिखते हैं 2/3 एक फ्रैक्शन है, एक हॉल नंबर दूसरा फ्रैक्शन, इस दोनों को डिवाइड किया जा रहा है, तो इसे क्या जानते हैं हम लोग, इसे कैसे लिखते हैं। तो इससे पहले हम लोग एक चीज़ जानना चाहिए कि रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन या फिर नंबर, हॉल नंबर कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, हॉल नंबर भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपका 5 का जैसे यहाँ पे 2/3 का रेसिप्रोकल लिखने के लिए दिया जाए, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इक्वल्स टू क्या होगा, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या है, 3/2, तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2 या 3/2 रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 ये बोल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे होल नंबर 5 दे दिया गया, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 5 क्या है, 5 है 5/1 एक्चुअली, 5 क्या है, 5/1, तो न्यूमरेटर क्या चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर क्या चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो 5 को हम का रेसिप्रोकल 1/5 लिख सकते हैं, इसलिए हॉल नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/ दैट हॉल नंबर, जो हॉल नंबर दिया हुआ है। तो ये चीज़ हम लोग जान लेंगे। तो इसमें आपको बता रहे हैं कि किसी हॉल नंबर को अगर फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो इसमें भी हम सीखेंगे कि जो पहले आप करते आए हैं इंटीजर्स में वही चीज़ करेंगे। 7 को डिवाइड कर रहा है क्या, 2/3 ये किया जा रहा है, 7 एक हॉल पार्ट्स है जिसको डिवाइड कर रहा है 2/3, ये चीज़ हम लिख सकते हैं, 2/3 इसे डिवाइड कर रहा है। अब 2/3 जब डिवाइड कर रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे तो कोई डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, 2/3 जो है इसको अगर हम इसके साथ लिखना हो या डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में लाना हो तो हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं,
इसका रेसिप्रोकल करते हैं और 7 मल्टीप्लाइड, जो डिवाइड में यहाँ पे 2/3 है वो मल्टीप्लाइड में हो जाता है 3/2। यहाँ डिवाइड को हटाकर मल्टीप्लाई लिखेंगे, बट जो डिनोमिनेटर में है उसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, 3/2 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ मिले आपको 7 × 3/2। अब जब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ तो आप जानते हैं एक होल नंबर दूसरा फ्रैक्शंस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3 = 21/2। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 21/2 ये लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि किसी होल नंबर को आप किसी दूसरे फ्रैक्शंस, होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना सीख गए आप। अब यहाँ पे अगर दूसरा दिया जाए, किसी हॉल नंबर्स, किसी फ्रैक्शंस को अगर हॉल नंबर से डिवाइड किया जाए, सॉरी किसी फ्रैक्शंस को अगर हॉल नंबर से डिवाइड किया जाए तो क्या हो सकता है, तो इसके लिए भी हम लोग देखेंगे। 2/3 ये आपका है, डिवाइड क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवीजन को हटाने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो 6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/6। तो 2/3 × 1/6 ये लिख सकते हैं, या इसको आप 6/1 लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाई में इसके साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ मिला 2/18, 6 × 3 क्या होगा, 18। इस तरह से एक दूसरे को हम मल्टीप्लाई में भी, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करते हैं। ये हो गया दूसरा आपका, जब आप सीखे हॉल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, फ्रैक्शंस को हॉल नंबर से डिवाइड करना है, अब आपको फ्रैक्शन से फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3/7 / 5/4, ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, ये दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना। तो इसको भी हम जानते हैं क्या करेंगे, आपको बताया क्या है कि 3/7 में डिवाइड करना है 5/4 से, बट डिवाइड को हटाने के लिए, यहाँ से डिवीजन को हटाने के लिए, इसको मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए 3/7 और इस डिवीजन को हटा के मल्टीप्लिकेशन लाने के लिए 5/4 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, 4/5। उसके बाद जो आपको रिड्यूस होता है, अगर कोई एक दूसरे से कट रहा है तो काटेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, 4 × 3 = 12 और 7 × 5 = 35, 12/35 ये इसका डिवीजन भी आ गया। इस चैप्टर्स में ये आपका है फ्रैक्शंस का जो पार्ट है उसका हम कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ क्लियर किए और इससे आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने में ईजी होगा। नेक्स्ट आपका जो इसका पार्ट टू आएगा उसमें क्या होगा, डेसिमल्स के बारे में, डेसिमल का सारा कॉन्सेप्ट को एक साथ हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।